आज का ये जो हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है वो हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110 डिग्री। तो जो हमें गिवन दिया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। फेज एंगल आपको दिया हुआ है 1110 डिग्री, और इसी को आप लिख सकते हैं क्योंकि फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाया होता है। तो इसका मतलब फेज एंगल इज इक्वल टू 1110 डिग्री हम लिख सकते हैं। जब भी आपको फेज एंगल दिया जाएगा तो इसका मतलब आपको ये समझना है, ये कंसीडर करना है कि जो पार्टिकल है वो कहीं तो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में कहीं तो भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वो रहेगा। तो आप उसके ओरिजिन के साथ में या फिर जीरो डिग्री के साथ में जो भी एंगल बनता है वो बनाएगा उसका फेज एंगल, या फिर वो बन जाएगा उसका फेज एंगल। अब बढ़ते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है। तो आपको फाइंड करना है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, अगर आपको स्टेट ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, इसका मतलब जब पार्टिकल आप सर्कुलर मोशन या सर्कुलर ट्रैक के ऊपर में आप लोगे तो उसका प्रोजेक्शन आपको इसके डायमीटर के ऊपर में लेना पड़ेगा। और अगर आप डायमीटर के ऊपर में इसका प्रोजेक्शन लेते हो तो आपको ऐसा दिखेगा कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका प्रोजेक्शन अगर आप इसके ऊपर में लेते जाओगे तो आपको वो एक लीनियर SHM परफॉर्म करते हुए दिखेगा। मतलब आपको एट द सेम टाइम ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और वही पार्टिकल लीनियर SHM भी कर रहा है, ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब आपको स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में ये जो पार्टिकल इधर में लीनियर SHM परफॉर्म करते रहेगा उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है वो आपको निकालना है। वही पार्टिकल जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है उस पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पे है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, ये हो गया उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। और ऑसिलेशन नंबर, एक पार्टिकल मान लो यहां से निकला ये, तो इधर से जाएगा, इधर से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से अगेन मीन पोजीशन, तो इस तरीके का इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे फिर से आगे बढ़ा, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से ये अगेन इधर एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन इसके मीन पोजीशन, तो ये हो गया इसका दूसरा ऑसिलेशन। ऐसे ही वो ऑसिलेशन करते रहेगा, तो ये दूसरा ऑसिलेशन है, तीसरा ऑसिलेशन है, चौथा ऑसिलेशन है, कौन सा ऑसिलेशन है ये आपको बताना पड़ेगा, दैट इज इन ऑसिलेशन नंबर। अब जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन के तरफ। तो देखते हैं सॉल्यूशन। आपको फेज दिया हुआ है, फेज इज इक्वल टू 1110 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाया इज इक्वल टू 1110 डिग्री। अब 1110 डिग्री ये बोल दिया, इसका मतलब आपको ये पार्टिकल देखना पड़ेगा कि सर्कुलर ट्रैक पर कौन सी पोजीशन पर आएगा। जीरो से इसने स्टार्ट किया, ये जाएगा पूरा कंप्लीट करेगा 360 डिग्री, वैसे फिर और आगे बढ़ेगा और ये हो जाएगा इसका 720 डिग्री, और अगेन 720 से अगर ये आगे बढ़ता है इस तरीके से और फिर से अगर 360 एक और चक्कर लगा लेता है तो कंप्लीट इसका जो एंगल बन जाएगा ये 1180 डिग्री इतना बन जाएगा। और क्योंकि आपको जो एंगल दिया है वो दिया है 1110 डिग्री, तो इसका मतलब ये इससे थोड़ा सा आगे रहेगा, और इससे थोड़ा सा आगे रहता है इसका मतलब कितना आगे होना चाहिए, तो भी इसको तो ये होना चाहिए प्लस 30। अगर ये 1080 डिग्री पर है यहां पे, और अगर आप इसमें फिर से 30 डिग्री इतना एंगल अगर मिला देते हो, मतलब यहां से अगेन ये पार्टिकल यहां पर इस पोजीशन पर रहेगा, ये जो पार्टिकल का पोजीशन आपको मिलेगा ये पोजीशन हो जाएगा 1110 डिग्री, इतने फेज पर आपको दिखेगा।
सो अगर ये इस पॉइंट पर है तो देखते हैं कि ये लीनियर एसएचएम जो परफॉर्म कर रहा है एट द सेम टाइम वहां पे ये कौन सी पोजीशन पर रहता है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पर आप लिखोगे 1110 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसा कर सकते हैं, तो आप ये देखिए कि आपने ये हो गया 360 डिग्री और आगे में 720 डिग्री और आगे में आप देखेंगे तो ये हो गया 1080 डिग्री, तो आप इसको कुछ ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं 1080 डिग्री प्लस प्लस, क्योंकि ये पूरा यहां से और 30 आपने कर दिया यहां पे, तो आप यहां पे लिखेंगे प्लस 30 डिग्री, और इसको आप और स्प्लिट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 × 360 डिग्री, क्योंकि आपने देखा ये तीन बार 360 डिग्री हुआ है तब जाके आपको ये 1080 मिला है, इसलिए आप इसको 3 × 360 लिख सकते हैं। और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस इसके जगह पर आपने ये लिखा और प्लस 30 डिग्री जैसे का वैसे। अब ये सेम आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो फॉर्मूला आपने इसके लिए यूज किया था, दैट इज साइन एन मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन, ये हो जाएगा सिर्फ थीटा मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 30 मतलब 1/2, तो ये x निकल के आएगा आपका a बाय टू, मतलब फेज 110 डिग्री पर ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर आप इसके लीनियर एसएचएम के ऊपर में करते हो, डायमीटर के ऊपर में करते हो, तो वो कितने डिस्टेंस पर मिलता है आपको, इसके एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पर मिलता है। अब दूसरा जो है वो देखते हैं, वो है इसका ऑसिलेशन नंबर, 0 से 360 तक इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, फिर 360 से अगेन 720 तक जाता है तो उसने दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया अपना, और 720 से अगेन 1080 डिग्री तक जाता है तब तक इसने अपना थर्ड ऑसिलेशन भी कंप्लीट कर लिया, कब तक, 1080 तक थर्ड ऑसिलेशन, लेकिन वो तो इससे आगे भी है, दैट इज 1110 डिग्री यहां तक आपको फेज दिया है, मतलब यहां से यहां तक ये पार्टिकल आ गया होगा, तब तक ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया a by 2 ये पोजीशन पर आ गया, तो इसका मतलब इसने 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिया और ये फोर्थ पर रनिंग है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 ऑसिलेशन कंप्लीटेड, फोर्थ ऑसिलेशन इज रनिंग, या फिर ड्यूरिंग फोर्थ ऑसिलेशन, ये भी आप बोल सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो अभी आपने देखा इस फेज पर पार्टिकल a बाय टू मतलब एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस पर ये है, और ये यहां से यहां तक जा रहा है तब तक ये पार्टिकल यहां से a बाय टू इस पोजिशन पर आ गया, मतलब इसकी और आगे जाने की टेंडेंसी रहेगी, तब तक ये पार्टिकल की भी टेंडेंसी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ही जाने की रहेगी, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा ये पॉइंट पर, ये भी डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां पे भी हम लिखेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया था कि ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का जो फेज एंगल है वो फेज एंगल 1110 डिग्री इतना है, और अगर इस पार्टिकल का फेज इतना है तो उस पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगा, इसका मतलब आपको ये पॉइंट पर प्रोजेक्शन करना था उसके डायमीटर के ऊपर में, और आपने प्रोजेक्शन किया इसके ऊपर में, जब प्रोजेक्शन आप करते हो तो आपको ये बताना है कि वो
मीड पोजीशन से कितनी दूरी पर रहेगा, स्टेट ऑफ एसएचएम ये दिखाना था, मतलब आपको ये दिखाना था कि मीड पोजीशन से कितनी दूरी पर रहेगा, क्या डिस्टेंस रहेगा, तो ये डिस्टेंस रहेगा ए बाय टू, ए बाय टू इतने डिस्टेंस पर रहेगा मीन पोजीशन से। ये स्टेट का पहला पॉइंट आपने निकाल लिया। दूसरा, ये कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है और कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, तो आपने ये देखा 1110 डिग्री पर ये कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो इसने थ्री ऑसिलेशन कंप्लीट किया इस तरीके से, एक फिर दो और फिर तीन कंप्लीट करके ये इसका चौथा ऑसिलेशन चल रहा था, तो ये हमने देखा। इसके अलावा अगर ये पार्टिकल यहां पे है और इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, तो इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसके तरफ रहेगा, तो इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो रहेगा ये इधर से एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ ही आपको जाते हुए दिखेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सच में समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो पर सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।